तो आज की हमारी कहानी है फिनोमिनन। और कहानी की शुरुआत में हम एक जॉर्ज मैली नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक कार रिपेयरमैन है। और यहाँ पर आज उसका एक दोस्त जिसका नाम नेट पोप होता है, वो उससे मिलने आता है। और नेट जॉर्ज को कुछ सोलर पैनल्स देता है अपने घर को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। बाद में हम जॉर्ज को उसकी रिपेयर शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर उसके दो एम्प्लॉय टीटो और बेन्स जॉर्ज की दुकान पर काम करते हैं। और यहाँ पर वो जॉर्ज की स्पेनिश सीखने में मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉर्ज को पढ़ना लिखना नहीं आता। और थोड़ी देर बाद लिस पेनामिन नाम की महिला जॉर्ज की दुकान पर आती है और जॉर्ज से मिलती है। और जॉर्ज लिस की कुछ कुर्तियाँ बेचने में उसकी मदद करता है और उसे अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहता है, लेकिन लिस उसकी पार्टी में आने से मना कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शहर के डॉक्टर जॉर्ज को अपने अंदाज में बर्थडे विश करते हैं, जिसके बाद जॉर्ज एक बार फिर से लिस से पार्टी में आने का पूछता है, लेकिन लिस वापस से मना कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को नीट डॉक्टर और शहर के बाकी सब जॉर्ज का बर्थडे मना रहे होते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज को एक चेस बोर्ड गिफ्ट में देते हैं और दोनों वहीं पर चेस खेलने लग जाते हैं। अब पार्टी के दौरान जॉर्ज बाहर जाता है और आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखता है, और वो रोशनी बढ़ती जा रही होती है, और आखिर में जॉर्ज उसे देखकर बेहोश हो जाता है। और जब जॉर्ज होश में आता है, वो रोशनी गायब हो जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से पार्टी में लौट कर आता है और सबसे पूछने लगता है, क्या किसी ने उस रोशनी को देखा? लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। और जॉर्ज अपने दोस्तों को उसने जो देखा वो बताने की कोशिश करता है, जबकि उसका चेस गेम डॉक्टर के साथ जारी है। अब उसके दोस्तों को लगता है कि जॉर्ज का दिमाग अभी ठीक हालत में नहीं है, लेकिन आखिर में सभी देखते हैं कि जॉर्ज ने डॉक्टर के खिलाफ चेस गेम जीत लिया था, और सब काफी हैरान हो जाते हैं। अब जॉर्ज घर जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अचानक काफी अजीब सा लगता है, जिस वजह से वो नेट को कॉल करता है, लेकिन उसका दोस्त नेट फोन को कट कर देता है। जिसके बाद जॉर्ज अपने बगीचे में जाता है और एक खरगोश को पकड़ लेता है। अब अगले दिन उसकी दुकान पर एक आदमी रॉजर अपनी गाड़ी लेने आया होता है, लेकिन भुगतान के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तब यहाँ पर जॉर्ज रॉजर को समझाता है कि कैसे उसे उसकी गाड़ी वापस मिल सकती है। और यहाँ पर जॉर्ज स्पेनिश में बोल रहा होता है, जिसे सुनकर उसके यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉय टीटो और बेन्स काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद काम करते वक्त वो अनजाने में अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करता है, और दिन के दौरान जॉर्ज लेस के बच्चों को एलन और ग्लोरी को ट्रक में अकेला देखता है। अब लेस आती है और जल्दी से सैन फ्रांसिस्को निकलने के लिए तैयार हो जाती है, और वो जॉर्ज को उसे यूएफओ दिखा ये कहकर उसका मजाक उड़ाती है। अब लोकल बार में जॉर्ज डॉक्टर को एक बार फिर से चेस में हरा देता है, और यहाँ पर जॉर्ज अपनी नई शक्तियों के बारे में अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक दिन में 4 किताबें खत्म कर दे रहा है और उसका दिमाग काफी सारे आइडियाज को जनरेट कर रहा है, और वो वहाँ पर ठीक से किसी को भी कुछ भी समझा नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज आ चुकी होती है, जिस वजह से डॉक्टर उसे चेकअप के लिए बुलाता है। लेकिन घर पे हम देखते हैं कि जॉर्ज नेट के दिए हुए सारे सोलर पैनल्स घर पे इंस्टॉल कर देता है, जिसके बाद वो काफी सारी किताबें पढ़ने लगता है और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसके बाद वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। और एक रात जॉर्ज नेट के घर में जाता है, और यहाँ पर हम नेट को देखते हैं जो कि एक्चुअल में शहर में एक रेडियो प्रोग्राम चलाता है, और तभी वो अपने रेडियो प्रोग्राम पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनता है। लेकिन उन आवाजों को सुनकर जॉर्ज उससे कहता है कि रुको, ये आवाजें किसी तरीके की कोड्स हैं जो कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं, और वो उन कोड्स को लिखने लगता है। और यहाँ पर नेट उसे समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जॉर्ज क्यूरियोसिटी के चलते उन कोड्स को डिकोड करने लगता है, और उस मैसेज को डिकोड करके वो नेट से उन्हें वापस भेजने को कहता है, जिसके बाद नेट भी वैसा ही करता है। और यहाँ पर जॉर्ज नेट को अपने नए ज्ञान की जानकारियों के बारे में बताता है, लेकिन नेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और अब उस रात हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि पूरी रात एडवांस मैथ्स के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसके आखिर में वो समझ जाता है कि उसके पास टेलीकिनेसिस की शक्ति है। और अब यहाँ पर जॉर्ज ये जानकर कि उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है, वो आसमान की तरफ भागता है। अब अगले दिन जॉर्ज डॉक्टर के ऑफिस में अपने चेकअप के लिए आता है, जहाँ पर जॉर्ज अपनी नई शक्तियों के बारे में डॉक्टर को बताता है, और डॉक्टर उसकी शक्तियों को देखकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ये वादा करते हैं कि वो जॉर्ज की नई शक्तियों का कारण पता करके रहेंगे। अब यहाँ पर जॉर्ज अपनी शॉप पर वापस लौट आता है, जहाँ पर वो टीटो और बीन्स को अपनी एक गाड़ी दिखाता है जो कि उसने
खुद बनाई होती है, तभी वहाँ पर लेस आती है और वो और कुर्सियाँ लाई होती है। और यहाँ पर जॉर्ज उसे कुछ सब्जियाँ दिखाता है और वो आज उससे काफी ज्यादा मैच्योरली बात कर रहा था और उन दोनों के बीच यहाँ पर एक ऑकवर्ड सा मोमेंट बन जाता है। और यहाँ पर जॉर्ज उसे कुछ टमाटर देने जा रहा होता है लेकिन लेस शर्माकर भाग जाती है। और यहाँ पर दोपहर के टाइम पे जॉर्ज अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहा था कि तभी वो बीच रास्ते में ग्लोरी और एलन को देखता है और वो उन्हें घर छोड़ने का ऑफर करता है और वो भी मान जाते हैं। लेकिन जॉर्ज बीच रास्ते में रुकता है और उन बच्चों को अलग अलग तरीके के फ्लावर्स दे और वो उन बच्चों के साथ एक छोटा सा बुकेट भी बनाता है लेस के लिए। और लेस के घर पहुंचने पर जॉर्ज उसे टमाटर और बुके दे देता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक वॉक पर जाते हैं जहां पर लेस अपने रिलेशनशिप के बारे में जॉर्ज से एक्सप्रेस करती है। और वहां पर जॉर्ज हवा में कुछ महसूस कर पाता है और यहां पर वो लेस के फोन को उठाता है और एक कॉल लगाता है ये बताने के लिए कि अभी अभी उसे अर्थक्विक जैसा महसूस हो रहा है और अभी यहाँ पर किसी तरीके का अर्थक्विक आ सकता है। लेकिन यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। और इसके बाद हम उसे लेस और उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जॉर्ज लेस के डिनर के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। और डिनर के बाद लेस और जॉर्ज एक दूसरे को ऑकवर्डली गुड बाय कहते हैं। और यहाँ पर जब लेस और बच्चे अपने डिशेस को धोने जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज सच बोल रहा था। और यहाँ पर जब जॉर्ज अपने घर पहुँचता है तो उसके पीछे लेस भी वहाँ पर आ गई होती है और उससे सब कुछ सच सच पूछती है कि आखिर उसे अर्थक्वेक के बारे में कैसे पता चला। और तब वो वहाँ पर जॉर्ज के घर में वो सारी चेयर्स देखती है जो कि वो जॉर्ज को बेचने के लिए दे जाती थी, लेकिन उनमें से एक भी चेयर नहीं बिकी थी और जॉर्ज ने उन सभी को अपने घर पे रख लिया था ये कहकर कि वो सारी बिक गई हैं। और वो इनडायरेक्टली काफी समय से लेस की मदद कर रहा था। अब ये देखकर लेस उसे झूठा कहकर वहां से चली जाती है। और अब अगले दिन हम जॉर्ज को नेट के साथ देखते हैं और वहां पर वो नेट अपनी टेलीकिनेसिस पावर दिखाता है, जिसे देखकर नेट को झटका लग जाता है। अब इसके दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक इमरजेंसी में काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसे पेशेंट की लैंग्वेज समझ में नहीं आती और इसलिए वो एक औरत को जल्दी से जॉर्ज को बुलाने के लिए कहता है। और यहाँ पर हम जॉर्ज को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर नेट भी उसकी गार्डनिंग में मदद कर रहा होता है, जहाँ पर जॉर्ज ने एक नए तरीके का फर्टिलाइजर बनाया होता है जो कि काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। और उस फर्टिलाइजर को देख के तो नेट भी कहता है ये तो कमाल की चीज बनाई है तुमने। और अब थोड़ी देर बाद ही जॉर्ज के घर पर प्रोफेसर रेग्नोल्ड आते हैं और वो जॉर्ज से पूछते हैं कि उसे पिछले दिन अर्थक्विक के बारे में कैसे पता चला। और यहाँ पर प्रोफेसर रेग्नोल्ड अपनी यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जिसे कि जॉर्ज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद जॉर्ज प्रोफेसर को अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है जिस पर वो काफी समय से काम कर रहा था। और वो यहाँ पर प्रोफेसर से पूछता है कि वो यूनिवर्सिटी के बाकी सारे प्रोफेसर से भी बात करना चाहता है, लेकिन उन दोनों की डिस्कशन बीच में ही रुक जाती है क्योंकि जॉर्ज के घर पर टीटो पहुंचता है डॉक्टर का मैसेज लेके और वो जॉर्ज से डॉक्टर के पास चलने को कहता है। और हम देखते हैं कि बीच रास्ते में ही जॉर्ज पोर्टुगीज लैंग्वेज को पूरा सीख जाता है और ये देखकर तो प्रोफेसर भी अचंभे में आ जाते हैं कि एक इंसान इतनी जल्दी कैसे कुछ सीख सकता है। और अब डॉक्टर के पास पहुंचने पर जॉर्ज पेशेंट से बड़े ही आराम से पोर्टुगीज में बात करने लगता है। तब यहाँ पर उसे पेशेंट से पता चलता है कि उन्हें एक लड़के को खोजना होगा, उसकी जान खतरे में है, और उस पेशेंट से बात करके उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन पता कर लेता है। और उसे इस तरीके से बात करता देख सभी के सभी हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो सभी उस बच्चे की खोज में निकल जाते हैं। और यहाँ पर जॉर्ज भी उस बच्चे को खोज रहा होता है, लेकिन तभी उसके पेट में काफी तेज दर्द होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन वो उसी हालत में अपनी टेलीकिनेसिस पावर से वो उस एल्बर्टो नाम के बच्चे को बचा लेता है। और अब ये देखकर वो प्रोफेसर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जॉर्ज को अपनी यूनिवर्सिटी में आने को बोलते हैं, जहाँ पर वो जॉर्ज को सभी प्रोफेसर से मिलवाएंगे। अब जॉर्ज फिर एल्बर्टो की माँ एला से मिलता है और वो जॉर्ज को गले लगाती हैं और उसका काफी शुक्रिया अदा करती हैं। अब उस रात जॉर्ज नेट से कहता है एला उसके घर में एक हाउसकीपर की तरह काम करेगी, जिसके बाद जॉर्ज नेट को पोर्टुगीज भाषा सिखाता है। और बार में लोग जॉर्ज के आसपास हो रही घटनाओं के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो उसके ऊपर काफी सारे सवाल उठा रहे होते हैं, जिसे सुनकर जॉर्ज वहाँ से दूर चला जाता है। जिसके बाद वो अगली सुबह लेस से मिलने जाता है और उससे माफी मांगता है उन चेयर्स के बारे में झूठ बोलने के लिए जो कि उसने उसके घर पर देखी थी। और यहाँ पर वो उसे इनवाइट करता है अपने साथ यूनिवर्सिटी चलने के लिए, जहाँ पर लेस भी उसकी बात मान जाती है। और यहाँ पर नेट के घर पे एला पहुँचती है अपनी नई जॉब के लिए और तब यहाँ पर नेट भी कुछ पोर्टुगीज में बात करता है जो कि उसने जॉर्ज से सीखी थी। और उसकी पोर्टुगीज सुनकर एला स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अब इसके दूसरी तरफ जब जॉर्ज घर पर पहुँचता है
तो वो देखता है कि कुछ FBI एजेंट्स उसके घर पर आए होते हैं और वहाँ पर एजेंट जैक अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस मैसेज के बारे में पूछते हैं जो कि जॉर्ज ने मिलिट्री को भेजा था। और तब यहाँ पर वो जॉर्ज को पकड़ लेते हैं और उससे जबरदस्ती बाकी सारे कोड्स को भी मिलिट्री के सामने डीकोड करने को कहते हैं। और कुछ इंट्रोगेशन के बाद एजेंट टेड जॉर्ज का टेस्ट लेना चाहते थे कि आखिर उसका दिमाग क्या कर सकता है, और उसका टेस्ट डॉक्टर बॉब ले रहे होते हैं। लेकिन जॉर्ज अपने इंटेलिजेंस से डॉक्टर बॉब को भी कंफ्यूज कर देता है और खासकर अपनी टेलीकिनेसिस पावर दिखाकर वो उन्हें शॉक ही कर देता है। और तब वहाँ पर एजेंट जैक जॉर्ज से मिलने आते हैं और उससे FBI को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन एजेंट जैक उससे कहता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जॉर्ज उनके हाथ से बाहर जाए। और इसके दूसरी तरफ हम यूनिवर्सिटी में एजेंट टेड को देखते हैं जो कि प्रोफेसर रिग्नोल्ड से ये बात कर रहे होते हैं कि जॉर्ज को किसी भी प्रोफेसर से मिलने नहीं दिया जाए। और अब उस रात को जॉर्ज लेस के घर जाता है और उसके साथ FBI के साथ जो भी घटनाएं हुई उन सभी को बताता है। और यहाँ पर लेस उससे कहती है कि अब उसे जॉर्ज से डर लग रहा है। और यहाँ पर वो दोनों ही इस बात पे एग्री करते हैं कि जॉर्ज को लेस की फैमिली से दूर रहना चाहिए। और अब बार में जॉर्ज नेट से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसके घर पे भी FBI ने छापा मार दिया था, जिसके बाद जॉर्ज काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसकी नई पावर्स की वजह से, क्योंकि इन पावर्स की वजह से उसके दोस्तों को काफी कुछ सहना पड़ रहा था। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि आखिर ना ही उसने वो लाइट देखी होती, ना ही उसके साथ ये सब हुआ होता। और उसका वहाँ पर गुस्सा बढ़ता ही जाता है और वो गुस्से में गलती से एक खिड़की को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त डर जाते हैं। अब अगले दिन टीटो जॉर्ज से कहता है कि बेंस ने उसकी दुकान की नौकरी छोड़ दी है, और टीटो उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर जॉर्ज के लिए काफी परेशान होते हैं क्योंकि शहर में उसके खिलाफ काफी सारी बातें हो रही हैं। अब इसके बाद हम जॉर्ज को उसके गार्डन में काम करता हुआ देखते हैं और तभी वो बीच में ही रुक जाता है और अचानक से पेड़ों की आवाजों को सुनने लगता है। और अब इसके दूसरी तरफ लेस के बच्चों को देखते हैं जो कि एक कांच का टुकड़ा लेकर लेस को दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि ये वही कांच का टुकड़ा है जिसे कि जॉर्ज ने तोड़ा था। और यहाँ पर एलन लेस को बताती है कि टाउन में जॉर्ज के खिलाफ काफी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं, लेकिन लेस उन्हें इन सब पे विश्वास करने से मना कर देती है। अब इसके बाद लेस जॉर्ज से मिलने जाती है और वो इस बारे में जॉर्ज को बताती है, जहाँ पर जॉर्ज उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग उससे डरे और वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहता है और वो अपनी नॉलेज को एक मेले में बांटेगा। तब यहाँ पर लेस जॉर्ज को एक हेयर कट देती है और वो कुछ पल साथ में गुजारते हैं, जिसके बाद लेस वहाँ से चली जाती है। और अब कुछ दिनों बाद हम मेले में जॉर्ज को देखते हैं जो कि नेट के साथ आया होता है और वो टाउन के लोगों का शुक्रिया अदा करता है जो कि उसे सुनने के लिए यहाँ पर आए। और तब वहाँ पर जॉर्ज सभी के सवालों का जवाब देता जाता है और अपनी पावर्स को भी दिखाता है। और यहाँ पर जॉर्ज की बातें सुनने के लिए वहाँ पर न्यूज चैनल वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर जॉर्ज अपनी शक्तियों के बारे में बताना चालू रखता है कि आखिर कैसे उसके अंदर ये एबिलिटीज आई और कैसे ये काम करती हैं। लेकिन लोग और भी ज्यादा जानना चाहते थे और वो लगातार जॉर्ज से सवाल करते चाहते हैं। अब इतने सारे सवालों से जॉर्ज थक कर गिर जाता है और तभी वो आसमान में फिर से वैसी ही लाइट देखता है और उसे देखकर वो वापस से बेहोश हो जाता है। और जब जॉर्ज हॉस्पिटल में उठता है तो उसे देखने के लिए लेस, डॉक्टर और नेट तीनों ही आए होते हैं। और वहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज को बताते हैं कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उसकी मेंटल पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो ट्यूमर उसकी जान भी लेता जा रहा है। तब यहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज से कहता है कि वो उसके, क्योंकि वो समझ चुका था कि जॉर्ज के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। और तब यहाँ पर जॉर्ज नेट से अपने फर्टिलाइजर फॉर्मूले को अपने खेतों में इस्तेमाल करने का बोलता है, जिसके बाद नेट और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जॉर्ज लेस से माफी मांगता है। और तब यहाँ पर लेस उससे कहती है कि वो उससे काफी प्यार करती है। और अब इसके बाद जॉर्ज के पास डॉक्टर वेलेन आते हैं और उससे परमिशन मांगते हैं कि वो उसके ब्रेन को खोलकर उसके ऊपर सर्जरी करना चाहते हैं। और वो जॉर्ज से ये भी कहते हैं कि इसका एक छोटा सा चांस ये भी है कि उसके दिमाग से वो ट्यूमर निकाल सकते हैं और शायद जिसके बाद जॉर्ज थोड़ा और भी जी सकता है। लेकिन जॉर्ज ये सब करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि वो अपने दिमाग को किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं देना चाहता। और वो डॉक्टर वेलेन से कहता है कि उसके दिमाग के ऊपर रिसर्च करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये उसके ट्यूमर की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये तो हमारी इंसानियत के अंदर का वो हीरा है जो कि सभी के अंदर है और इसे कोई भी हासिल कर सकता है। लेकिन जॉर्ज के इस जवाब से डॉक्टर वेलेन खुश नहीं होते, क्योंकि वो तो उसके दिमाग पर रिसर्च करना चाहते हैं। और इसके बाद बार में हम बीन्स और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर जॉर्ज का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और वहाँ पर बीन्स कह रहा होता है कि मैं तो पहले ही जानता था कि उस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, वो तो अभी भी अनपढ़ का अनपढ़ ही रखा है, और जो वो शक्तियाँ दिखा रहा था वो भी किसी तरीके की मैजिक ट्रिक्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
अब ये बातें सुनकर वहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर बेंस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पर वो सभी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो बेवजह जॉर्ज को नीचे गिराने में लगे थे। और वहाँ पर वो सभी से चिल्ला के कहते हैं कि तुम जैसे ऑर्डिनरी लोग जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग को समझ नहीं सकते तो अपना मुंह बंद रखा करो। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जॉर्ज के ऊपर FBI निगरानी रख रही होती है कि वो वहाँ से भाग ना सके। लेकिन तभी वहाँ पर जॉर्ज अपने पास कुछ दवाइयाँ छुपा लेता है और वक्त आने पर उन्हें डॉक्टर को खिलाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। और अब जब ये खबर थोड़ी देर बाद FBI को पता चलती है कि जॉर्ज वहाँ से भाग गया तो वो सभी में जॉर्ज को ढूंढने लगते हैं। और अब यहाँ डॉक्टर जॉर्ज की भाग जाने की खबर एक पुलिस ऑफिसर से सुनते हैं और वो जॉर्ज की मदद करने के लिए पुलिस कार के टायर की हवा निकाल देते हैं ताकि जॉर्ज को भागने के लिए कुछ समय मिल जाए। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉर्ज नेट के घर पे जाता है और उसे अपनी लिखी हुई किताब देता है जिसके अंदर उसने अपने काफी सारे आइडियाज के बारे में लिखा होता है जो कि नेट के खेती के काम में आएंगे। और वहाँ पर वो नेट के गले लगता है और जॉर्ज उसे एक आखिरी गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर अगली सुबह लेस उठकर देखती है कि जॉर्ज उसके बच्चों के साथ ट्रक को ठीक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर लेस के बच्चे काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब जॉर्ज मरने वाला है। और अब दिन के दौरान एजेंट जैक लेस के घर आता है और लेस से जॉर्ज के बारे में पूछताछ करता है। पर यहाँ पर लेस एजेंट जैक से कहती है कि उसने जॉर्ज को नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर एजेंट जैक लेस के घर पे जॉर्ज के कुछ औजार देख लेता है और वो समझ जाता है कि जॉर्ज वहाँ पर आया था। लेकिन किस्मत से एजेंट जैक अपने साथी से झूठ बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि वो भी जान गया था कि अब जॉर्ज के पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है और वो उस समय जॉर्ज को चैन से जीने के लिए देना चाहता था। अब यहाँ पर हम लेस को देखते हैं जो कि जॉर्ज से मिलने जाती है और यहाँ पर वो दोनों एक काफी अच्छा समय साथ में गुजारते हैं। और यहाँ पर जॉर्ज लेस की बाहों में अपना दम तोड़ देता है और यहाँ पर लेस भी उसे टाइटली हग करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह लेस प्रोफेसर रिंगगोल्ड के पास जाती है और जॉर्ज की लिखी हुई किताब दे देती है जिसके अंदर उसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा होता है। जिसके बाद वो अपने बच्चों को गले लगा लेती है और वो एक साथ जॉर्ज को याद करते हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साल बीत जाता है और नेट और एला अब एक साथ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेट ने जॉर्ज के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपनी फसलों को बेहतर बना लिया है। और यहाँ पर आज नेट एक फूलों का गुलदस्ता बनाता है जो कि वो जॉर्ज की यादों के तौर पर रख दिया करता है। और आखिर में हम यहाँ पर पूरे शहर को एक बार फिर से जॉर्ज के बर्थडे के दिन जॉर्ज की याद में उसका जन्मदिन बनाते हुए देखते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय सायोनारा।